हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 जुलाई को डीएलएड सीईटी 20 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 24,000 से अधिक आवेदन आए हैं। पिछले वर्ष इस परीक्षा के लिए 96 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिन्हें इस वर्ष बढ़ाकर 140 सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 के नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में इस बार परीक्षा केंद्रों में वृद्धि की गई है। इस संबंध में प्रदेश भर में स्कूल प्रधानाचार्यों से भी बात हो चुकी है कि कितने अभ्यर्थी उनके स्कूलों में स्थित परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दे सकते हैं। उसी आधार पर उन्हें अभ्यर्थी परीक्षा हेतु दिए गए हैं। एक कमरे में भीड़ ज्यादा ना हो, इसके लिए पहले जो इनविजिलेटर जो 40 परीक्षार्थियों पर लगता था, जिसे 25 बच्चों पर किया था, लेकिन डीएलएड के एग्जाम में 20 अभ्यर्थियों पर एक इनविजिलेटर कर दिया गया है, जिससे भीड़ कम होगी। एक कमरे में 20 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइजेशन के लिए राशि भी उपलब्ध करवाई गई है। अभी डीएलएड के एग्जाम के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 24,000 से ज़्यादा बच्चों की एप्लीकेशन आ गई है, और ये 12 जुलाई को पेपर होगा। और इसमें पिछले वर्ष हमने डीएलएड एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए 96 ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए थे, लेकिन वर्तमान में हमने इनको बढ़ा दिया है और 140 सेंटर बना दिए हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन अगर लेना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से और कोविड-19 के डूज एंड डॉट्स को ऑब्जर्व करते हुए हमें लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, और साथ ही जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनसे बात भी होगी है टेलीफोन के द्वारा अधिकारियों की, कि वो इतनी कैपेसिटी जो बच्चों की वो जितना वो अकोमोडेट कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो उतनी कैपेसिटी उनको दी गई है। और साथ ही हमने एक और बात की है कि एक कमरे में भीड़ ज़्यादा ना हो, तो उसमें इनविजिलेटर पहले 40 के ऊपर लगता था, अभी हमने 25 में कर दिया था, 25 के ऊपर 25 बच्चों के ऊपर एक इनविजिलेटर, लेकिन अभी डीएलएड के एग्ज़ाम में हमने 20 के ऊपर 20 बच्चों के ऊपर एक इनविजिलेटर कर दिया है, तो भीड़ नहीं होगी। तो कमरों में, बड़े कमरों में 20 बच्चे बैठा के एक कमरे में हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, और हमने धन भी उपलब्ध करवाया है जिससे सैनिटाइजेशन की जा सकती है, सैनिटाइजर वहाँ उपलब्ध होगा। डायरेक्शंस ऐसी भी दी हैं कि जो बच्चे आएँ वो मास्क लगा के वहाँ पर आएंगे, अध्यापक भी मास्क लगा के रहेंगे, और सारे ये ध्यान रख के हम ये 12 जुलाई को ये टेस्ट लेने वाले हैं।